हम बात कर रहे हैं जी बिल्कुल आज से हमारा ये दोबारा से नया सेशन शुरू होने जा रहा है जो अपना ये तीस का दम था इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, है इसमें क्या है एक थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने आज से ठीक है आज से इसमें थोड़ा सा बदलाव है बदलाव ये है कि हम यहाँ पर आज से नए तरीके से कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे कुछ नए तरीके से कुछ नई चीजें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कैसे जैसे मैं आपको यहां पर कराऊंगा मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए यहां पर मैं आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए और मैं यहां पर आपको करा दूंगा दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए ठीक है आरआरसी ग्रुप डी के लिए ये तो हमारे मेन एग्जाम हो गए जिस पर हमारा फुल फोकस रहेगा ये तो हमारे फुल फोकस एग्जाम हो गए इन पर हम क्या करेंगे अपना पूर्ण रूप से फोकस करेंगे इसके अलावा यदि कोई तैयारी करना चाहता है इनके अलावा किन्हीं एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी करना चाहता है जैसे अगर हम बात करें कोई तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की तब भी वो इस क्लास को ले सकता है अगर कोई तैयारी कर रहा है आपके एसएससी की तो भी इस क्लास को कर सकता है कोई तैयारी कर रहा है हरियाणा राजस्थान या अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का सी यू ई टी का पेपर होने वाला है सो so, अगर आप सी यू ई टी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं ठीक है आज मैंने सोचा था आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर कराने का लेकिन वो टाइप नहीं हो पाया ठीक है जो मैंने एन टी पी सी का प्रीवियस ईयर पेपर सोचा था आज कराऊंगा टाइप नहीं हो पाया कोई बात नहीं मंडे से रेगुलर प्रीवियस ईयर पेपर पे चलेंगे ठीक है सो आज तो टाइप नहीं हो पाया इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हो पाएगा लेकिन याद रखना फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स से Monday से मंडे जो है हम क्या करेंगे मंडे से जो है हम क्या करेंगे हम अपने प्रीवियस पेपर लगाएंगे सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस पेपर रहेंगे वो मिक्स सेक्शन में रहेंगे मिक्स कैसे मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ अभी मंडे से वो रहेगा एक तो एनटीपीसी सीबीटी वन वाला NTPC CBT वन एंड टू वाले पेपर रहेंगे उसके अलावा जो आरआरसी ग्रुप डी लास्ट ईयर टाइम हुए थे जो आरआरबी ग्रुप डी था उस टाइम पे ग्रुप डी हुआ करता था आरआरबी हुआ करता था ठीक है 2018 वाले करा दूंगा ये आपके 2021 और 22 वाले ठीक है इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का पेपर कंडक्ट हुआ था अभी लास्ट टाइम 2021 में ये वाले करा दूंगा इन सभी पेपर्स को मैं यहां लेकर के चल रहा हूं क्योंकि एस एस की अगर हम बात करें तो एस एस सी के मैं सुबह दस बजे एस एस सी के मैं सुबह दस बजे आपको करा ही रहा हूं यार <coughs> खांसी सही नहीं हो रही है पीछे पड़ गई है गला बिल्कुल ऐसा हो गया है कि रेस्ट चाहिए है ना डॉक्टर भी कह रहा है गले को रेस्ट दो मतलब पांच छह दिन का रेस्ट मारो तब जाके सही होगा तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारी क्लास पांच छह दिन में छोड़ दू संभव नहीं है चलो तो ये सारी चीजें थी आज आज प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है आज एक नॉर्मल पेपर है सो so, नॉर्मल पेपर है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक आज बनाया हुआ जो सेट होते है मेरे द्वारा मैं जो सेट क्रिएट करता हूँ वही पेपर है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से मम्मी का फोन आ रहा है क्या कह रही है मैं पूछ लेता हूँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ऑप्शन कह रहा है कि ओ पी T आई ओ एन ऑप्शन को किस प्रकार लिखा जाए इसको लिखा जाए टी पी ओ एन ओ आई फिर बोल रहे हैं आपसे हाउ विल आंसर बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज और आपसे पूछा क्या गया है कि आंसर को कैसे लिखा जाएगा आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि आंसर को किस प्रकार लिखा जाएगा ठीक है चलो देख लेते हैं अगर आप देखोगे यहां टी यहां पी यहां ओ यहां एन यहाँ आई यहाँ ओ सो आपका हो जाएगा एस एन ए यहां पर हो जाएगा एस एन ए आर ई डब्ल्यू आर ई डब्ल्यू सो एस एन ए आर ई डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा एस एन ए आर ईडब्ल्यू जो है वो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा क्लियर है चलिए कोई बात नहीं शायद ये ना आपको कलर नहीं दिख रहा है मैं वही ठीक कराने गया था यही ठीक कराने गया था कोई बात नहीं है मैं इसको ठीक कर देता हूँ ये शायद आपको दिख नहीं रहा है तो मैं ना यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ कुछ देर के लिए सो देखो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है ये ना ऐसे करके लॉजिक फॉलो कर रहा है ये क्या कर रहा है आपका ऐसे करके लॉजिक फॉलो कर रहा है यहाँ पर भी ऐसे करके लॉजिक आ जाएगा सो यहाँ एस कर देना यहाँ एन कर देना यहाँ ए कर देना फिर आर कर देना यहाँ ई e कर देना और यहाँ डब्ल्यू कर देना ये तो दिख रहा है ना अब ये तो दिख रहा है ना सभी को दिख गया वो भी दिख गया अब ठीक ठीक है है अब ठीके। ग्रीन भी दिख रहा है अच्छा अभी आपको शायद ग्रीन कलर दिख दिख नहीं रहा रहा था अब दिख रहा है चलो ठीक है डन बहुत बढ़िया थैंक यू भाई चलिए तो आपका आंसर कितना हो गया एस एन ए आर ई डब्ल्यू एस एन ए आर ई डब्ल्यू जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्लियर है रात दिख रहा है आप तो सब कुछ है? अब क्यों अल्लाह काट रहे हो कि दिख नहीं रहा है अल्लाह काटते यार तुम लोग चलो जल्दी से आ जाओ सेशन में जुड़ जाओ मेरे साथ बाकी जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दो अगले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट से यदि आपने अभी तक शेयर नहीं की है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए ठीक है एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट का आंसर करिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है तो so पर कह रहा है कि संदीप पूर्व की ओर चलना शुरू करता है 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाई ओर मुड़ता है मान लीजिए यहां से चलता है पूर्व की ओर कितना सोलह किलोमीटर चलने के बाद अपने बाई ओर मुड़ता है और सीधा बारह किलोमीटर जाता है कितना जाता है बारह किलोमीटर बोल रहा है आरंभिक बिंदु से सबसे छोटी दूरी ट्रिपलेट याद है आपको भाई ट्रिपल याद है ट्रिपल अगर याद होते तो यार हमसे अपने आप हो जाता कैसे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना 256 प्लस 144 बराबर h स्क्वायर ठीक है सो so, h स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400 तो यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई रूट में 400 तो रूट में 400 का अर्थ क्या हो गया 20 हो गया सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये याद रखना ट्रिपलेट होता है ये याद रखना क्या होता है ट्रिपलेट होता है किसका ये ट्रिपलेट होता है किसका बारह सोलह बीस का बारह सोलह बीस का ट्रिपलेट होता है बारह सोलह बीस का ट्रिपलेट आपका होता है ठीक है जैसे तीन चार पांच का होता है ना ट्रिपलेट किसका होता है तीन चार पांच का ट्रिपलेट होता है एक फिर हो जाता है छह आठ दस का ट्रिपलेट ऐसे ही बारह सोलह और बीस का भी ट्रिपलेट हो जाता है ऐसे ही इसका डबल भी हो जाएगा याद रखना चौबीस बत्तीस चालीस का भी ट्रिपलेट होगा मतलब ट्रिपलेट जो है हमेशा डबल में चलते हैं ट्रिपलेट हमेशा डबल में मल्टीपल होते रहते हैं ठीक है तो ये याद रखना आपके एग्जाम में काम आएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली चीज है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए तो ये क्वेश्चन आपका डीआई का है ठीक है दादा देखो आज प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करा पाया क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर टाइप नहीं हो पाया था कल और परसों में आराम से सब टाइपिंग वाइपिंग डन रखूंगा अगले एक हफ्ते की सो मंडे से प्रीवियस ईयर पेपर दोबारा से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के कुछ पेपर कराऊंगा फिर टू के करा दूंगा फिर ग्रुप डी के दिल्ली पुलिस के सब मिक्सअप कराता रहूंगा परेशान मत होगा कह रहा है निम्नलिखित चार्ट को ध्यान से देखे पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें निम्नलिखित पाई चार्ट एक कंपनी की निर्मित विभिन्न कंपनियों के बैट के डिग्री को दर्शाता है, बैट बनाती है और इन सभी के बैट आपने परचेज किए होंगे जैसे कह रहा है कि टोटल बैट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं दस हजार आठ सौ है कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बीडीएम डीएससी एंड एसएस बैट सोल्ड तो बीडीएम है ना डीएससी और एसएस ने कितने बैट बेचे इसकी बात कर रहा है सो बीडीएम सो बात कर रहा है इनके टोटल की तो कह रहा है कि बीडीएम उसने उसने टोटल बैट कितने बेचे बीडीएम एसजी और डीएससी ने बताइए सो so बीडीएम कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए फटाफट फड़ से चलिए सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं किस किस का सबसे पहले टोटल कर लेते हैं बीडीएम का डीएससी का और एसएस का सो बीडीएम वाले कितने हैं अड़तीस है अर्थे से, है ना एसएस वाले ये हैं एसएस वाले कितने हैं 102 सौ है और डीएससी वाले कितने हैं डीएससी वाले आपके 100 हैं सो है. so ये कितना हो गया आपका 240 हो गया टोटल 240 हो गया एवरेज की बात कर रहे हैं तीन से काट दीजिए कितना हो गया 80 हो गया कितना हो गया आपका 80 हो गया तीन से काटते ही ठीक है अब तीन से काटने के बाद जैसे ही ये 80 हुआ सो आपको बोला गया क्या था कि 80 बटा 360 360 क्यों क्योंकि डिग्री में अगर परसेंटेज में होता तो हम हंड्रेड से डिवाइड करते क्योंकि डिग्री में इसलिए तीन से डिवाइड किया इंटू ठीक है इंटू दस हजार आठ आपने एक जीरो से एक जीरो काटा छत्तीस से काटा तो हो गया तीन ये हो गया आपका तीन सौ आठ तीन चौबीस यानी कि दो चौबीस और दो जीरो तो कितना हो गया आपका आंसर चौबीस सौ हो गया भाई आपका परम सत्य आंसर कितना चौबीस सौ देखो क्या किया आपने तीनों को टोटल कर लिया डिवाइड बाय थ्री एवरेज वैल्यू आ गई उस एवरेज वैल्यू की मल्टीप्लाई दस हजार आठ सौ से कर दी डिवाइड बाय तीन सौ साठ करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है डिवाइड बाय तीन सौ साठ अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारी वैल्यू डिग्री में रह जाएगी जबकि हमें डिग्री हटानी है सो आंसर विल बी चौबीस सो चौबीस सौ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड से बिल्कुल साइड हूं मैं बताइए आंसर यहाँ पर शायद चमकादड़ कर दिया है इसने तो ये चमकादड़ नहीं होगा <laughs> अरे यार अरे दद्दा ये चमकादड़ नहीं होगा कहां चमकादड़ बेच रहे हो तुम ठीक है ये ट्रांसलेशन एरर है ये चमकादड़ नहीं होगा ठीक है अरे दद्दा एक मिनट रुक जाओ ये क्या है ना ये चमकादड़ नहीं होगा ये क्या होगा ये बैटो की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है बैट की ही बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है ये आपके बैट की ही बात कर रहा है चलो अब बताओ कह रहा और द्वारा बैट की द्वारा बैट के कितना प्रतिशत है कितना तो कंपेयर कर रहा है उसको नीचे रख देना जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे रख देना ठीक है पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका प्रतिशत पूछा है सौ से गुड़ा कर देना आगे क्या पचास सेकंड में से हो गए अब तक तो आगे होगा कह रहा है बीडीएम और एसजी नहीं आया तो चलो चेक कर लेते हैं बीडियम और एसजी so द्वारा बैट निर्मित डीएसजी द्वारा निर्मित बैट का कितना प्रतिशत है तो डीएससी ने कितने किए डीएससी कर रहा है एक सौ दो कर रहा है डीएससी कितने कर रहा है एक सौ दो कर रहा है इसकी मल्टीप्लाई हंड्रेड से कर दो इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो हंड्रेड से कर दो तीन से काटा से अब ये देख लो कितना हो गया इसको सॉल्व करो कितना हो गया ये हो गया आपका पांचिकम पांच पांच दूनी दस और एक जीरो आपका ही आ गया फिर सत्रह से काटो कितना हो गया सत्रह तिया इक्यावन सत्रह चौका अड़सठ सत्रह पंजे पिचासी और सत्रह छिंग एक सौ दो सत्रह छिंग कितना हो गया एक सौ दो ठीक है फिर यहां से आपने बचा कितना तीन से बचा आपका कितना तीन और यहाँ बचा आपका दो ठीक है सो सत्रह एक मिनट को यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक है कहा मिस्टेक आ रही है एक बार बताना जरा कमेंट में कहा मिस्टेक आ रही है अरे यार मिस्टेक यहाँ आ रही है ना अच्छा ये मिस्टेक आ रही है ठीक है यहाँ पर डीएससी बैट की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है डीएससी की हमने इतनी मेहनत की जबरदस्ती की भाई अड़तीस प्लस पैंतालीस डायरेक्ट करना था ठीक है तो अड़तीस प्लस पैंतालीस कितना था तिरसठ था और डीएससी का जो बैट है वो तो यार सौ परसेंट पे है अरे ये तो डी ये तो बी ए एस ये तो एस एस का है सो so, ये तो डायरेक्ट सौ हो गया और सौ की गुणा सौ से करी सो so, आपका सौ से सौ कट गया कितना आ गया तिरसठ आ गया यार यहां हमने एक सौ दो लिख दिया था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जिनके कमेंट आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक सौ दो नहीं आएगा आपका सौ ही आएगा सौ बटा सौ सौ से सौ कट गया आपका तिरसठ जो है आपका आंसर बन गया अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या एक आंसर दो पहले तुम चलो करो आंसर जल्दी से है ना और भैया एक बार क्लास को शेयर तो कर दो इतने कम चलोगे तो कैसे काम चलेगा इतने कम चलोगे तो कैसे काम चलेगा यार एक बार क्लास को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए फटाफट से जल्दी से शेयर करो भाई फटाफट से जल्दी से शेयर करो और दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या जो अभी तक आपके पुराने पेपर थे जो हुए हैं सब में आपने धुआं काट रखा है और भाई साहब वादा है इस क्लास से आज तक कोई भी एग्जाम बच के नहीं गया है तो आगे भी कोई बच के जाएगा नहीं जब आज तक इस क्लाम से क्लास से कोई एग्जाम बच के नहीं गया तो आगे भी कोई बच के जाएगा नहीं चलिए यहां क्वेश्चन देखिए यहां क्या कह रहा है यहां कह रहे हैं ना क्लास ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश और हिंदी की कक्षा में पचास छात्रों की कक्षा में चौबीस छात्रों ने अंग्रेजी ली ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स टूक इंग्लिश इंग्लिश वाले कितने आ गए चौबीस आ गए एंड इसमें से सोलह ने अंग्रेजी ली है लेकिन हिंदी नहीं इनमें से सोलह ने इंग्लिश ली है लेकिन हिंदी नहीं अच्छा देखो कल जो है आपकी हो सकता है शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ शाम वाली क्योंकि मुझे ना घर जाना पड़ेगा आज और मम्मी का फोन ना बार बार इसीलिए आ रहा है आपकी क्लास खत्म करके मैं आज घर ही निकलूंगा सीधे ठीक है तो हो सकता है कल शाम सात बजे वाली क्लास जो है सैटरडे है मतलब वो जो है जितिन सर ले लें और मैं आपकी मंडे से वापस से वैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो कह रहा है अंग्रेजी और हिंदी के पचास छात्रों में से चौबीस ने अंग्रेजी ली इनमें से सोलह ने अंग्रेजी ली लेकिन हिंदी नहीं तो सोलह तो ये हो गए और आठ क्या हो गया कॉमन हो गया ठीक है अंग्रेजी और हिंदी दोनों लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई आठ हो गई क्योंकि टोटल कितने थे पचास थे पचास में से बोल रहे चौबीस ने इंग्लिश ली थी लेकिन उनमें से सोलह ने केवल अंग्रेजी ली हिंदी नहीं ली यानी कि आठ छात्र ऐसे थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे थे ठीक है सो आपका आंसर कितना आ गया ये आ गया अब जो बचा कितना छब्बीस छब्बीस अब छब्बी में से आठ नेब्बीस में से आठ और ये हटा दीजिए तो बचा कितना बचा कितना आपका बचा सो आपका क्या हो गया आंसर हो गया आठ कैसे हैं आठ वो छात्र हैं जिन्होंने क्या ली अंग्रेजी और हिंदी दोनों को लेने वाले जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है आपकी आठ है अंग्रेजी और हिंदी दोनों लेने वालों की छात्रों की संख्या जो है वो कितनी आपकी आठ है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एक और डीआई का क्वेश्चन एक और डीआई का क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई आपकी आठ आ गई चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट एक और डीआई का क्वेश्चन भाई बनाते चलिए सारे क्वेश्चनों के आंसर बनाते चलिए सारे क्वेश्चनों के आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा यहां कह रहा है कि यदि स्पार्टन द्वारा निर्मित चमकादड़ों की संख्या बैट की संख्या बैट की संख्या बी एस बैट द्वारा बैट का अस्सी प्रतिशत है तो एस जी और स्पार्टन द्वारा निर्मित बैट की संख्या के बीच का अनुपात कितना है BAT. अच्छा एक चीज देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना स्पार्टन शब्द कहीं से कहीं तक दे रहा है रात चमकादर तुम हो रहे हो कतई है ना चिपके पड़े हो एक दूसरे से बाद में चिपक लेना वो क्वेश्चन की टाइपिंग में एरर है उतना तो चलता है ठीक है अब ये देखो क्या कह रहा है यदि स्पार्टन द्वारा बैट की संख्या बास बैट का अस्सी so प्रतिशत है सो बी ए एस का देखो अस्सी प्रतिशत मतलब पिछहत्तर डिग्री आपको दिया गया है पिछहत्तर डिग्री आपको दिया गया है पिछहत्तर डिग्री का अस्सी प्रतिशत जो है वो क्या है वो आपका पिछहत्तर डिग्री का अस्सी प्रतिशत जो है वो आपका क्या है बी स्पार्टन के बैट आ जाएंगे इसके आ जाएंगे स्पार्टन के आ जाएंगे स्पार्टन के आ जाएंगे पिछहत्तर प्रतिशत का अस्सी तो बैट की संख्या के बीच का अनुपात सो ये स्पार्टन हो गया एस जी कितना पैंतालीस है एस जी कितना है तो आपका पैंतालीस डिग्री है एस जी कितना है आपका पैंतालीस डिग्री है, है, है? देखिए इसमें भी तीन सौ साठ से डिवाइड तो आप यहाँ पे भी करोगे तीन सौ साठ से डिवाइड है आप वहां पे भी करोगे आंसर बताओ कितना आ रहा है कितना आ रहा है रेशियो कितना आ रहा है रेशियो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है दादा रेशियो जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है जल्दी बताओ तो मैं देखो डिवाइड बाई खेल लो अब अब देखो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है क्योंकि इधर भी करना पड़ेगा इधर भी अपने आप कट जाएगा 360 से 360 कट गया ठीक है 25 से काटा तो 25 चौक का 25 से काटा तो 25 तिया पिछहत्तर चार से काटा तो कितना हो गया 20 चौक आपका 80 हो गया सही है सो so 20 चौक 80 कितना हो गया साठ अनुपात पैंतालीस फिर पंद्रह से काटा तो पंद्रह चौका साठ और पंद्रह तिया पैंतालीस तो ये स्पाटन हो गया और ये हो गया लेकिन पूछा किसका है एस जी और स्पार्टन का सो so पूछा किसका एस जी का, का स्पाटन से ठीक है एस जी का स्पाटन से तो एस जी का कितना आ रहा है तीन और स्पार्टन का कितना आ रहा है चार तो तीन अनुपात चार आपका आंसर होगा कितना होगा तीन अनुपात चार जो है वो आपका आंसर बनेगा तीन अनुपात चार जो है वो आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी चार अनुपात तीन क्यों नहीं होगा असल में यहां जो आपने निकाला है ये किसका निकाला था ये वाला चार आ रहा है ना सो so, ये है क्या स्पार्टन है ये स्पार्टन है और ये कौन है ये एस जी है क्वेश्चन में पूछा गया एस जी का स्पार्टन से तो एसजी का स्पार्टन से तीन अनुपात चार आपका आंसर होगा तीन अनुपात चार जो है वो आपका आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन दूसरा आ गया देखो ये क्या होता है जब प्रीवियस ईयर पेपर आप कोई भी देखोगे कभी कभी तो उन प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होता है कोई भी क्वेश्चन सिक्वेंस में नहीं होते अगर आप रेलवे का पेपर कभी देने गए हो दिया है पेपर आपने रेलवे का दिया होगा ना सीबीटी वन दिया होगा किसी ने किसी ने नहीं दिया होगा कोई बात नहीं अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है दिया होगा तो दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होता या एस में ऐसा नहीं होता लेकिन रेलवे में क्या होता है सिक्वेंस में नहीं होता एक क्वेश्चन मैथ का दूसरा जीके का तीसरा रीजनिंग का फिर मैथ का फिर रीजनिंग का फिर मैथ का फिर जीके का ऐसे देता है तो हमारा सिक्वेंस भी बिगड़ा हुआ होता है इसी कारण से ये सिक्वेंस बिगड़ा हुआ है ठीक है बोल रहा है जिन्होंने हिंदी तो ली है लेकिन अंग्रेजी नहीं ली है वो भाषा उन छात्रों की संख्या आपको बतानी है जिन्होंने इंग्लिश तो ली है हिंदी तो ली है लेकिन इंग्लिश नहीं ली है अब देखिए ये कितने हो जाएंगे भाई भाई एक बात बताइए हमें एक चीज पता चली थी क्या हमें एक चीज डायरेक्टली पता चली थी क्या ये आठ थे ये सोलह थे तो ये कितना हो गया आठ और सोलह चौबीस हो गया तो बचा हुआ कितना हो जाएगा छब्बीस तो ये कितने हो जाएंगे छब्बीस हो जाएंगे है ना और ये क्या हो गए ये हिंदी वाले हो गए ये कौन हो गए हिंदी वाले हो गए हिंदी वाले कितने हिंदी वाले कितने तो हिंदी वाले 26 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है सीरीज अगला क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज बनाओ जल्दी से अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बनाइए जल्दी से फटाफट से अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन जल्दी बनाइए बहुत ही शानदार तरीके से और मेरे भाई एक बात ध्यान रखेगा और मेरे भाई एक बात ध्यान रखेगा जो भी आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ठीक है इन सभी को आप अपनी कॉपी पर लिखते रहा करिए सॉल्यूशन के तौर पर पीडीएफ वीडीएफ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मंडे से फ्री वाली भी सो so, ये क्या रहा है क्यू ओ के क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू और एम तो क्यू के के से एम ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर अगर आप देखेंगे Q से हो गया तो मतलब क्या हुआ आपका माइनस टू यहाँ देखेंगे तो माइनस फोर ठीक है यहां W है और यहां है और M अच्छा तो पर देखिए कितना हो -6 हो -6 कितना होगा होगा K हो गया K पे से छह गए तो K ग्यारह ग्यारह में छे गए पांच पांच पर कितना आएगा E आएगा तो यहाँ पर क्या माइनस एट हो रहा होगा ठीक है और यहाँ माइनस कितना हो रहा होगा आपका टेन हो रहा होगा तो ठीक है ना ये तेईस है तेईस से कितने पे जा रहा है आपका पर जा रहा है ठीक तो है तो आपका आंसर क्या बन गया ई e बन गया ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर बनेगा क्लियर है सभी को बन रहा भाई, हाँ या ना, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है Excellent है जिसको कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बनाइए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है कह मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन जल्दी से वीडियो को इस तरह से लाइक करिए और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर करिए है ना ऐसे करके एक शेयर का लाइक का बटन आता है इस लाइक के बटन को थम्स अप जरूर करें इस लाइक के बटन को थम्स अप जरूर करें ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब यहां देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आठ है ठीक है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सत्ताइस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है वो आपका चौसठ है अब इन दो का क्यूब है? है, है ये कितना है चार का क्यूब है सो so, अगला क्या होगा पांच का क्यूब पांच का क्यूब क्या होगा एक सौ पच्चीस कितना होगा पांच चार नौ दो और एक और एक दो आपका कितना आ जाएगा टू ट्वेंटी नाइन आपका आंसर बनेगा कितना बनेगा आपका करेक्ट आंसर टू ट्वेंटी नाइन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा टू ट्वेंटी नाइन जो है वो आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा टू ट्वेंटी नाइन जो है वो आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कह कि अगर कम रिलेटेड टू गो है मतलब आना और जाना अच्छा एक बात बताइए आना और जाना की जब आप बात करेंगे तो आप पढ़ लो है ना बाद में बातें कर लेना अब कितनी बार बताऊं एक ही बात मैंने आपको दो तीन बार बता दी कि मंडे से प्रीवियस ईयर पेपर की शुरुआत करेंगे मंडे से क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर की शुरुआत करेंगे ठीक है कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी सैटरडे में ठीक है बिल्कुल कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी मतलब होगी तो लेकिन वो क्लास जितिन सर करेंगे तो कल की जो क्लास होगी वो आपकी जितिन सर करेंगे ठीक है कल की जो क्लास होगी आपकी वो जितिन सर करेंगे तो किसी चीज का आना उसका विपरीत हो गया जाना उसी तरह नीचे की ओर मतलब ऊपर की ओर सो डाउनवर्ड का अपोजिट हो जाएगा अपवर्ड डाउनवर्ड का अपोजिट हो जाएगा अपवर्ड यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा चलो अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है कह रहा है सूरत राजस्थान और जैसलमेर सूरत राजस्थान और जैसलमेर तो सूरत के बारे में आप सभी जानते हैं कि सूरत कहाँ स्थित है तो सूरत है आपका गुजरात में सूरत है आपका कहां पर गुजरात में है ना सूरत है आपका कहाँ पर गुजरात में राजस्थान जैसलमेर कहाँ पर है राजस्थान में सो जैसलमेर राजस्थान में है और गुजरात आपका अलग है सूरत आपका मतलब अलग है सो आंसर विल बी ऑप्शन सी सो आंसर विल बी ऑप्शन सी सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर बताइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूं कि 45 टू 60 सेकंड लगते हैं तो एग्जाम तो में तो मैं जो 90 मिनट दे रहे खाली बैठने के लिए थोड़ी दे रहा है कि यार क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए लो समय इसमें पर सही बनाओ यार इसमें समय लो पर सही बनाओ जल्दी से समय लो पर सही बनाओ जल्दबाजी में गलत मत करना ठीक है सो so, जल्दबाजी में गलत मत करना करिए इसका आंसर देखिए कह रहा मल्टीप्लाई और माइनस बदल दीजिए क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और माइनस बदल दीजिए सो so, अगर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई सो so, आपके पास छत्तीस डिवाइड बाई तीन यानी कि तीन दशमलव छह ऑप्शन नंबर ए कभी आपका आंसर नहीं होगा सही है माइनस और प्लस बदल दीजिए यहाँ प्लस या माइनस तो यहां कितना हो गया तब भी नहीं होगा भाई डिवाइड को बदलना पड़ेगा तभी हमारा काम चलेगा डिवाइड को बदलना पड़ेगा प्लस और डिवाइड बदल दीजिए यानी कि यहाँ प्लस यहाँ डिवाइड तो भी हमारा आंसर नहीं चलेगा कोई फायदा नहीं है सो so माइनस और डिवाइड बदल दीजिए यहाँ डिवाइड और यहाँ माइनस यहाँ हो गया काम बना हुआ है ना तो ये हो गया आपका छत्तीस अट्ठारह एक सौ आठ माइनस दस प्लस सात सत्तर उनचास तो ये कितना हो गया माइनस तीन एक सौ आठ माइनस तीन यानी कि एक सौ पांच यानी कि एक सौ पांच तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर हिंदी में लगा देता हूं क्योंकि इंग्लिश में तुम्हें समझ वैसे भी नहीं आता <laughs> चलो हिंदी में करते हैं सलमान भाई की बात कर रहा है सलमान भाई की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है सलमान भाई की चलिए तो देखिए सलमान भाई आपसे क्या कह रहे हैं चलिए देखिए तो सलमान भाई की जब यहां बातचीत की गई है तो सलमान भाई आपसे क्या कह रहे हैं बनाइए सलमान भाई कह रहे हैं सलमान बिंदु बी से उत्तर दिशा में सलमान बिंदु एम से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है मान लीजिए से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है मीटर चलने के बाद वह बिंदु एन से दाएं मुड़ता है बिंदु एन से दाएं मुड़ता है और चार मीटर चलकर बिंदु ओ पर पहुंचता है फिर वह बिंदु ओ से दाएं मुड़ता है और छ मीटर चलकर बिंदु पी से बाय मुड़ता है और दो मीटर चलता है वहां से वह बिंदु Q से मुड़ता है और चार मीटर चलता है कितना चलता है चार मीटर ठीक है और बिंदु R पर पहुंचता है फिर बिंदु R से दक्षिण पूर्व में मतलब इधर की तरफ दक्षिण पूर्व में मुड़ता है और बिंदु S तक पांच मीटर चलता है दक्षिण पूर्व में मुड़ता है और बिंदु S तक पांच मीटर चलता है बिंदु Q और बिंदु S के पश्चिम में है तो बिंदु Q जो है बिंदु S के पश्चिम में यानी कि बिल्कुल ठीक है सो बिंदु Q के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है तो इंग्लिश में क्या था इंग्लिश में Q कि, किसके बीच में सो Q और S के बीच में बिंदु Q और S के बीच में सबसे छोटी दूरी पूछ रहा है इसको आप डायग्राम को देख लीजिए एक्चुअल में क्या हो गया ये डायग्राम ऐसे हो गया कि ये वाली तीनों चीजें हो गई यहाँ पर जो है आपका क्यू दे रखा है यहाँ पर एस दे रखा है या आर दे रखा है ये दूरी आपको पता है चार है ये दूरी आपको पता है पांच है ये दूरी एक्स मान लीजिए सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस कितनी है पांच का स्क्वायर बेस कितनी है एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है चार का स्क्वायर कितना हो गया पच्चीस माइनस इधर जाएगा सोलह बराबर सो एक्स so, की वैल्यू कितनी हो गई नौ रूट और नौ रूट का मतलब हो गया तीन यानी कि ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई तीन आई दैट इज थ्री मीटर विल बी द करेक्ट आंसर तो बिंदु क्यू और बिंदु एस के बीच की जो छोटी दूरी निकल के आई बिंदु Q और बिंदु S के बीच की जो छोटी दूरी निकल के आई वो निकल के आई आपके तीन मीटर अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से बताइए निम्नलिखित में से शब्दों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं एक अलग है आपको बताना है वो कौन अलग है सो so, वियना आपका अलग हो जाएगा कंट्री हो गई वियना बाकी सभी कहीं ना कहीं कंट्री नहीं है सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वियना चलिए अगला देखिए बहुत सिंपल था इसलिए इस पर समय नहीं देंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है, है आपके स्क्रीन पर ये बनाइए यहां पर बनाइए कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेन ऑल पेन आर स्केल जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट से करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन भी चलिए करिए कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेन सभी जो बुक्स हैं वो पेन है ऑल बुक्स आर पेन सभी जो बुक्स हैं वो क्या है पेन है ऑल बुक्स आर पेन और कह रहा है ऑल पेन आर स्केल सभी जो पेन है वो क्या है स्केल्स है सभी जो पेन है वो क्या है स्केल्स है कंक्लूजन देखिए स्केल बुक है बिल्कुल सही, no सही है तो पहला दूसरा और चौथा फॉलो करेगा सो so यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दैट कॉन्क्लूजन वन टू एंड फोर्थ फॉलो दैट कॉन्क्लूजन वन टू एंड फोर्थ फॉलो पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या करेगा आपका अनुसरण करेगा पहला दूसरा चौथा यहां पर आपका अनुसरण करेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर बताइए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर यहां पर क्या कह रहा है बताइए फटाफट से क्वेश्चन है अगला आपके स्क्रीन पर बताइए यहां पर क्या कह रहा है जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करिए कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा, जिसे कहते हैं चलिए सो so यहां देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन में कह रहा है फ्रूट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रूट फ्रूट को कैसे लिखा जाए क्वेश्चन में क्या कह रहा है एफ आर यू आई टी फ्रूट इसको लिखा जाए आई यू एक्स एल डब्ल्यू आप देखो प्लेस वैल्यू पर खेल हो रहा है प्लस थ्री का क्या हो रहा है प्लेस वैल्यू पर खेल हो रहा है भाई किसका प्लस का आपसे पूछ रहा है ऑरेंज का क्या होगा आपसे पूछ रहा है ऑरेंज का क्या होगा प्लस थ्री का खेल करो सभी जगह प्लस थ्री का क्या लगा दो लॉजिक लगा दो भाई सो so आपका कितना हो गया पंद्रह तीन अट्ठारह अट्ठारह तीन इक्कीस एक और तीन चार चौदह और तीन सत्रह सत्रह पर क्या हो गया जी सात तीन दस दस पर क्या हो गया जे पांच और तीन आठ आठ पर क्या हो गया एच तो आर यू डी जी जे एच आर यू डी एक मिनट अरे यार यहाँ क्यू आएगा ना जी का क्या आएगा क्यू आएगा सॉरी आर यू डी क्यू जे एच तो आर यू डी क्यू जे एच आपका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ साइन वुड रिप्लेस टू करेक्टली सॉल्व द गिवन इक्वेशन आपको बताना है इनमें से कौन से सिंबल्स का उपयोग करके इस इक्वेशन को बिल्कुल सही किया जा सकता है बताना है कि किन इक्वेशन सिंबल्स का यूज करके इस इक्वेशन को बिल्कुल सही किया जा सकता है बताइए चारों ऑप्शन ट्राई करिएगा भाई चारों ऑप्शन ट्राई करिएगा चारों ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी चारों ऑप्शन क्या करिए आप यहां पर ट्राई करिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर चलिए बहुत सही आप सभी का आंसर आता हुआ ऑप्शन ए चलिए लगा लेते हैं क्या ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा क्या ऑप्शन इसका सही आंसर होगा या नहीं चेक कर लेते हैं डिवाइडेड टू सेवन आप यहां देखिए यहां कितना होगा तो फोर्टीन होगा प्लस चौबीस बटा तीन है ना माइनस पांच दिया पंद्रह और पांच दिया पंद्रह बराबर सात तक के आना है तो ये कितना हो गया आठ हो गया सो so, चौदह और आठ कितना हो गया बाईस बाईस माइनस पंद्रह कितना बचा आपका सात बचा सो so, बाईस माइनस पंद्रह कितना बचा आपका सात बचा दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है तो ये आपका डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है किसका है क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी आंकड़े पर्याप्त थी सीबीटी टू में तो इससे नहीं क्वेश्चन पूछा लेकिन ग्रुप डी में पूछता है यार लास्ट ईयर 2018 में जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे ध्यान यह रखिएगा यहाँ देखिए क्या रहा है कि आज बस कितने बजे रवाना हुई पूछा गया है कि आज बस कितने बजे रवाना हुई यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है बस सामान्य रूप से समय पर निकलती है बस का प्रस्थान का समय दस बजे है द डिपार्चर टाइम इज टेन मतलब दस बजे है तो दस बजे बस निकलती है चाहे वो टेन एम कह लीजिए तो बजे वो बस निकलती है लेकिन एक गलती है इसमें पता है क्या द बस नॉर्मली ऑन टाइम पंक्चुअली नहीं लिखा है ये नहीं लिखा कि हमेशा दस बजे निकलती है कह रहा है ज्यादातर सामान्य रूप पर दस बजे निकलती है लेकिन कभी कभी ग्यारह भी जाती है कभी कभी दस पचास पे भी चली जाती है कभी कभी साढ़े दस भी चली जाती होगी तो आपका आंसर नहीं निकलेगा यहाँ पर सफिशियंट नहीं है तो आपका आंसर इनसफिशियंट होगा क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर पा रहे दादा आप कंफर्म कह ही नहीं सकते आंसर क्या होगा जब आप कंफर्म नहीं कह सकते सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अगला देखते हैं नेक्स्ट है next आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर शुड वाटर बी प्राइवेटाइज इन इंडिया क्या भारत में पानी का निजीकरण कर देना चाहिए मुझे लगता है पानी वगैरह ही बच रहा है जिसका निजीकरण होने से रह गया है ठीक है बाकी तो सारी चीजों का निजीकरण हो ही गया है क्यों भाई बाकी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जितनी चीजों का निजीकरण किया है आज तक मतलब मुझे नहीं लगता इतनी चीजों का निजीकरण कहीं हुआ होगा पानी बच रहा इसको भी कर देते हैं यस प्राइवेट सेक्टर्स आर मोर एफिशिएंट देन एफिशियंट देक्टर विच टू इंप्रूव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आज सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र अधिक कुशल है जिससे जल वितरण में सुधार होगा देखिए एक दिल से हम सोचे दिल की बात है ना कहते हैं ना मन की बात नहीं होना चाहिए, भी नहीं करना चाहिए। हमारा दिल इस चीज की गवाही नहीं देता है अब हमें दिल से तो सोचना नहीं है क्योंकि हम तो एक अधिकारी बनने जा रहे हैं हम तो एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हमें तो हम, हम हमने अपने दिल पर दिल पर पत्थर रख लिए है ना हमने क्या रख लिया दिल पर पत्थर रख लिए अब उसके अनुसार आर्गुमेंट देखा गया तो बिल्कुल पॉइंट है अगर पानी का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सकेगा सार्वजनिक क्षेत्र के तुलना में जो प्राइवेटाइज क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा कुशल होते हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं सच्चाई है इसीलिए चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो हमें इस पॉइंट को आर्ग्यूमेंट को एग्री करना पड़ेगा है ना आप देख लो टीओडी ले आए टूर ऑफ ड्यूटी वो क्या है वो यही तो है सब कहीं ना कहीं वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही है आप चार साल बाद क्या करेंगे आप जाएंगे आप झोंकेंगे और जितने ये अंधभक्त तो बिल्कुल हो चुके हैं मतलब ठीक है बीजेपी का सपोर्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसे मत करो यार कि बिल्कुल अंधभक्ति कर चुके हो कि जी तेईस लाख रुपए कमा के निकलेगा उसके बाद बिजनेस कर लेगा अरे ऐसी बात मत क्या करो रे दद्दा सपोर्ट करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी का लेकिन

आपने देखा होगा ज्यादातर आप जब सरकारी ऑफिस में जाते हो कभी आप गए हो पंचायत भवन पंचायत भवन छोड़ो आप कभी तहसील में गए हो तहसील में जाकर के आप भाई साहब पूछते ही रह जाओगे कि ये काम कैसे होगा कोई बता के नहीं देगा मैं गया हूं ना अभी कुछ दिनों पहले तो वहां पर इस कारण से फिर प्राइवेटाइजेशन होता है इस कारण से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी मिल रही है अगर तुम लोग काम सही कर दो ना तो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा बदलाव आ जाए कह रहा है नो प्राइवेटाइजेशन विल मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रॉफिट सेंट्रिक विच वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वाटर नॉट एवरीवन वुड बी एबल टू अफोर्ड वाटर एट हाई प्राइस नहीं निजीकरण पानी के वितरण को लाभ केंद्रित कर देगा जिससे पानी की लागत बढ़ जाएगी हर कोई ऊंचे दामों पर पानी नहीं खरीद पाएगा यह पॉइंट भी स्ट्रांग है भाई देखिए अगर किसी चीज का फायदा होता है तो उस चीज का नुकसान भी होता है अगर चीजें पब्लिक के हाथ में है मतलब कि गवर्नमेंट चीजें हैं तो वो सस्ती होंगी ये बात साफ है लेकिन अगर वो टोटली प्राइवेट हो जाएगी तो उस पर महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी के हाथ से दूर हो जाएगी चीजें ठीक है सो आम आदमी के हाथ से दूर हो जाएंगी चीजें तो यहां पर दोनों ही पॉइंट स्ट्रांग है अपने आप में कोई वीक नहीं है अगला जो क्वेश्चन है आप ये देखिए क्या कह रहा है बनाइए सही है चलिए इस क्वेश्चन को देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहां पर बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन करिए जल्दी से यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं देखो किसी गवर्नमेंट का अपोज नहीं करता है ना क्योंकि तो मैंने भी चाहे दो हजार चौदह हो या सत्रह हो वोटिंग की है फेवर में ही की है लेकिन कोई कोई पॉलिसी ऐसी होती है जिसका अपोज करना बनता है आपका भी बनता है हमारा भी बनता है ठीक है अब एक बात बताओ घर में अगर पिताजी कभी कुछ गलत करते हैं तो आप आवाज लेते हो ना उनके अगेंस्ट भी कि पापा यार ये चीज आप सही नहीं कर रहे हो ये इस तरीके से नहीं ऐसे होनी चाहिए तो सरकार क्या है सरकार एक तरीके से भारत को चला रही है तो पिताजी हमारे घर को चलाते हैं सरकार पूरे भारत को चला रही है अगर उसमें कुछ कमी है उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए कहा जा सकता है कि सर इसमें सुधार कर लीजिए ऐसे करके ठीक है आप ये नहीं है कि बिल्कुल उसके एक्सक्यूज देने बैठ जाते हो वो गलत है यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जो तुम फेसबुक पे या व्हाट्सऐप पे लड़ते हो ना देखो तो ना तो मोदी जी तुम्हारे स्टेटस देख रहे ठीक है, है ना अमित शाह तुम्हारे स्टेटस देख रहे ना राहुल गांधी तुम्हारा स्टेटस देख रहा ना ही आपके क्या कहते हैं अखिलेश भैया आपके स्टेटस देख रहे हैं कोई आपका स्टेटस नहीं देख रहा आपके स्टेटस देख कौन रहा है आपका रिश्तेदार आपका दोस्त आपका मित्र आपकी मित्री और उस स्टेटस से जो हर्ट हो रही है फीलिंग्स वो उन्हीं रिश्तेदारों की हो रही है उन्हीं दोस्तों की हो रही है जो दोस्त कभी तुम्हारी मुसीबत में काम आ सकते हैं ठीक है वो रिश्तेदार कभी तुम्हारे मुसीबत में काम आ सकते हैं तो अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पर इतनी बुराइयां मत भर दो अपने लिए कि तुम्हारे तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार तुमसे दूर हो जाएं तो फेसबुक व्हाट्सएप पर गलत स्टेटस मत लगाया करो बिल्कुल भी ठीक है तुम्हें अपनी आवाज उठानी है तो सीधे पहुंचो और आवाज उठाया करो अब यहां क्वेश्चन है जैसे छप्पन प्लस अठासी इसका अर्थ है कितना एक सौ चौवालिस इसका डेढ़ गुना कर दो सौ सोलह बत्तीस प्लस चौबीस इसका टोटल आपका कितना हो गया चार दो छह तीन दो पांच इसका डेढ़ गुना कर देना ये कितना हो जाएगा आपका चौरासी सो चौवालीस प्लस बहत्तर ये कितना है चार और दो छह सात चार ग्यारह इसका डेढ़ गुना कर देना तो हो जाएगा एक सौ सोलह प्लस आधा इसका करना तो आधा करोगे इसका कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा आधा पांच दूनी दस पांच दुनी दस कैरी एक और आठ दूनी सोलह क्या कर रहा हूं बावन लिख रहा हूं सोलह अट्ठावन आठ और अब और चौदह का चार क्या सात एक सौ चौहत्तर कितना हो गया एक सौ चौहत्तर चलिए अगले जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है ठीक है मुझे अभी निकलना भी है मुरादाबाद के लिए ठीक है तो मैं आज का सेशन को यही समाप्त कर रहा हूँ मंडे आप सभी से मुलाकात करूंगा कल हो सकता है आपकी क्लास जितिन सर ले तो अगले चार क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप इन सभी के आंसर ऑफलाइन कमेंट्स में कर दीजिएगा उम्मीद रखूंगा कि आप ऑफलाइन कमेंट्स में इनके आंसर करेंगे उम्मीद रखूंगा कि आप ऑफलाइन कमेंट्स में इनके आंसर करेंगे चलिए तो आज का सेशन यहीं तक वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी प्यारे भाई बहन सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए तो टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर